आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको दिखाऊंगा Asus VivoBook Gaming ये मॉडल नंबर वाले लैपटॉप की एक फुल 100-0% बैटरी ड्रेनिंग टाइम टेस्ट, प्लस इसी वीडियो के अंदर मैं आप सबको दिखाऊंगा इसी लैपटॉप का 0-100% बैटरी चार्जिंग टाइम टेस्ट, प्लस इसी वीडियो के एंड पार्ट में मैं आप सभी को इस लैपटॉप के अंदर हीटिंग के मामले में कुछ इश्यूज है कि नहीं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपन के वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम 100-0% जो बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट है उसको करेंगे, उसके बाद हम 0-100% कितने टाइम में फुल चार्ज होता है उसको टेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस लैपटॉप के अंदर जो हीटिंग का मामला है वो एक्चुअली में क्या है उसके बारे में मैं आप सबके साथ शॉर्टली बात करूंगा। तो सबसे पहली बात मैं आप सबको ये दिखाना चाहता हूं कि बैटरी परसेंटेज कितना यहां पे बाकी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 94% बैटरी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप पूछेंगे कि 100-0% का टेस्ट है तो यहां पे 94% क्यों? तो गाइज मैंने इसको बहुत चार्ज किया लेकिन ये पता नहीं क्यों ये 95% तक ही आया, अभी 94% हो चुका है। तो 100% मैं इसको चार्ज नहीं कर पाया, शायद इसका चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। खैर इसको हम टेस्ट करेंगे ही, तो फिलहाल 94% से हम इसको 0% करके देखते हैं कि कितना घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टॉपवॉच को स्टार्ट करते हैं और स्टॉपवॉच को रखते हैं साइड में, और लैपटॉप के अंदर सबसे पहले हम गेम्स खेलेंगे, उसके बाद कुछ और काम हम करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को। और गाइस वीडियो के अंदर बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि शायद पूछेंगे कि लैपटॉप का जो कीपैड का बैकलीट है वो ऑन था कि नहीं। तो जी हाँ, एंटायर वीडियो के अंदर ये जो कीपैड है उसको मैं बैकलीट रखूँगा, और सबसे लोएस्ट ब्राइटनेस वाला जो बैकलीट है उसको मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा हो, और 3 लेवल होता है खैर ब्राइटनेस का, तो मैंने सबसे लोएस्ट लेवल पर रखा है। और डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो शायद 30-40% के आसपास होगा, 35 या फिर 40% होगा। ओके सो गाइस यहाँ पे हमने खेल लिया है ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉच के अंदर, स्टॉप वॉच के अंदर 32 मिनट्स के ऊपर टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है वो मैं आप सबको एक बार शो करता हूँ। तो 60% एग्जैक्टली 60% बैटरी यहाँ पे रिमेनिंग है। तो अगर अप्रोक्सीमेट मैंने स्टार्ट किया था 94% से, तो 60-70-80-90-34% बैटरी यहाँ पे डिक्रीज हुआ आधा घंटा गेमिंग करने के बाद। तो अभी मैं कुछ थोड़ा सा यूट्यूब देखता हूँ, तो देखते हैं कि नॉर्मल ब्राउजिंग करने से या फिर यूट्यूब देखने से, और आधे घंटे के बाद चेक करेंगे कि कितना बैटरी यहाँ पे डिक्रीज होता है। और गाइज मैं यहाँ पे देख रहा था मॉडल का स्ट्रीम, तो स्ट्रीम देखते देखते यहाँ पे हो चुका है 1 घंटा 5 मिनट। तो स्टॉपवॉच के अंदर होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे टाइम है 1 आवर 5 मिनट्स। तो इसको रखते हैं हम साइड में और लैपटॉप को थोड़ा म्यूट करते हैं यहाँ पे। तो जो बैटरी परसेंटेज है वो मैं आप सबको थोड़ा सा शो करता हूँ जल्दी से। तो जी हाँ, तो बैटरी परसेंटेज आफ्टर 1 आवर 5 मिनट्स इज़ 37%। तो अगेन आपको शायद क्लियरली दिखाई दे नहीं रहा होगा, तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटा 5 मिनट मिक्स्ड यूसेज के बाद यहाँ पे 37% बैटरी बाकी है, 57% बैटरी डिक्रीज़ हुआ इस लैपटॉप के अंदर। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, और अभी जो मेरे पीसी के अंदर कुछ मतलब लोकल फाइल्स है जो कि वीडियोस है उसको मैं प्ले करता हूँ, और क्रोम या फिर इंटरनेट को यूज़ नहीं करते, ऑफलाइन में कुछ वीडियोस को प्ले करते हैं, और आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि कितना बैटरी बचता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradle. Okay, so दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है 1 घंटा 30 मिनट। आप यहाँ पे अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि स्टॉपवॉच के अंदर 1 आवर 30 मिनट हो चुका है। तो स्टॉपवॉच को रखते हैं साइड में, और एज ऑलवेज
जो बैटरी परसेंटेज है वो मैं आप सबको शो करता हूँ। 23% यहाँ पे बैटरी लेफ्ट है। जी हाँ, यहाँ पे 71% बैटरी डिक्रीज हुआ ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे मिक्स्ड यूसेज करने के बाद। तो यहाँ पे हमने ऑनलाइन पे यानी कि यूट्यूब में वीडियो स्ट्रीम किया, अपने पीसी से जो लोकल फाइल्स है उसको स्ट्रीम किया, और यहाँ पे आधा घंटा हमने गेमिंग भी किया। तो यहाँ पे अभी फिर से गेमिंग करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो बाकी जूस यहाँ पे बैटरी में लेफ्ट है वो कितने मिनट्स में ड्रेन होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक गेम के साथ। और गज मैं यहाँ पे गेम खेल रहा था, ऐसे में नोटिफिकेशन आ गया कि बैटरी इज़ बिलो 10%, यू माइट वांट टू प्लग इन योर पीसी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 hour 41 minute 13 seconds यहाँ पे टाइम है, तो 8% बैटरी लेफ्ट है। वैसे तो लैपटॉप का बैटरी 0% नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इस वीडियो के खातिर मैं इसको फुल्ली ड्रेन करता हूँ और आपको एग्जैक्ट जो टाइम है वो शो करता हूँ। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. और गाइस यहाँ पे आप सबके सामने ये जो लैपटॉप है वो कम्प्लीटली शट डाउन हो चुका है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी शट डाउन होगा, जस्ट अभी तो 8% था। तो यहाँ पे जो टाइम है वो मैं यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ, 1 hour 42 minute 52 seconds। तो यहाँ पे हमें सब बोल सकते हैं कि 1 hour 50 minutes के आसपास आपको मिक्स्ड यूसेज के अंदर इस लैपटॉप के अंदर बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ गेमिंग करते हो ऑन बैटरी तो आपको हार्डली 1 hour 15 minute या फिर 1 hour 20 minute ऐसा मिल सकता है, या फिर एक घंटे का ही सिर्फ मिल सकता है। और अगर यहाँ पे आप गेम नहीं खेलते हो, वीडियो एडिटिंग या फिर कोई हैवी इंटेंसिव टास्क नहीं करते हो और सिर्फ ब्राउजिंग करते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो, नॉर्मल काम करते हो, तो आपको यहाँ पे 2 hours 15 minutes या फिर 2 hours 20 minutes आराम से मिल जाना चाहिए। तो ये था 100 to 0% बैटरी टेस्ट। तो होपफुली आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि 100% बैटरी से आप कितना पोटेंशियल इस लैपटॉप से निकाल पाओगे। और दोस्तों जहाँ तक बात है चार्जिंग टाइम की, 0 to 100% चार्ज होने में कितना टाइम लेता है, अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछे तो जी हाँ, इसका आंसर भी मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के अंदर के जो चार्जिंग मतलब जो बैटरी परसेंटेज है अभी मेरे लैपटॉप के अंदर वो है 5%। और 0% मैं आप सबको करना रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आपके बैटरी को इफेक्ट करता है। और मैं भी 0% नहीं कर रहा, 5% अभी है, तो 5% से इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि 5 to 100% कितने टाइम में होता है। स्टॉप वॉच है वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टार्ट, और जो चार्जर है उसको मैं जल्दी से प्लग इन करता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि प्लग्ड इन का सिंबल आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे स्टॉपवॉच के अंदर हो चुका है 1 hour 11 minutes, आप देख सकते हैं स्टॉपवॉच के अंदर। और यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है वो है 92%। तो अभी एक और लास्ट अपडेट मैं आपको दूंगा जब बैटरी 100% चार्ज हो जाएगा, तो देखते हैं कि डेढ़ घंटे के पहले ये 100% चार्ज हो पाता है या नहीं। और दोस्तों यहाँ पे क्या ही बताए, स्टॉपवॉच के अंदर जो टाइम है वो 1 hour 43 minutes हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है वो 99% में आके अटका हुआ है। और बैटरी परसेंट 99% अभी नहीं हुआ, मिनिमम तो 10 मिनट हो चुका होगा, बैटरी 99% हो चुका था। मैंने सोचा कि ये एक बार 100% हो जाए उसके बाद मैं आप सबको अपडेट दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट 10 मिनट के ऊपर हो चुका है या फिर 10 मिनट हो चुका है, ये 99% से आगे जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे अभी इस वीडियो को यही तक कंक्लूड करते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम तो है 1 hour और ऑलमोस्ट 1.5 hours हो चुका है, तो यहाँ पे ऐसा आप बोल सकते हैं कि 2 hours के आसपास ये लैपटॉप 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे हीटिंग के मामले में और कुछ आपको दिखाने का कुछ है नहीं, जो भी है बस मैं अपना जो ओपिनियन है वो आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ, कुछ टेस्ट करने लायक तो है नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हीट वेंट अगर पीछे की तरफ होता ROG लैपटॉप्स के टाइप तो एकदम परफेक्ट डिज़ाइन होता, और कूलिंग सिस्टम अगर ये पीछे की तरफ होता परफेक्ट होता तो आपको परफॉर्मेंस भी थोड़ा और बेहतर देखने को मिलता। लेकिन फ़िलहाल अभी जो ये डिज़ाइन है हीट यहाँ तक अप्रोक्सीमेट यहाँ तक आता है, उसके बाद सामने की तरफ हीट डिसिपेट हो जाता है। और अभी इसके कारण क्या होता है कि हीटिंग
थोड़ा बहुत मतलब रह जाता है सामने की तरफ डिवाइस के अंदर, और इसके कारण जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है। और फ्यूचर में इसके कारण मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मेजर कुछ प्रॉब्लम होगा, अभी अभी जैसा चल रहा है फ्यूचर में भी ऐसा ही चलेगा, और मुझे नहीं लगता कि इतने से हीट के कारण इस स्क्रीन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बस इफेक्ट इतना ही पड़ रहा है कि परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा शायद कम देखने को मिल रहा है जब आप हैवी मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल इस लैपटॉप को पुश करते हो। तो सो गाइस इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और मैं आप सबको आपने देख ही लिया कि कितना इसके अंदर बैटरी बैकअप, बैटरी चार्जिंग टाइम वगैरह कितना है। अभी मैं आप सबको बस अपना एक सजेशन देना चाहूँगा, एक टिप आप बोल सकते हैं कि बैटरी के मामले में, तो आप इस टाइप के हैवी परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप्स के अंदर कोई भी लैपटॉप हो जाए, आप ऐसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसा टाइप का लैपटॉप अगर आप परचेस करते हैं तो बैटरी लाइफ ऐसा टाइप का ही देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट सभी इस टाइप के लैपटॉप के अंदर। तो आप हर वक्त जब गेम्स खेलते हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर कुछ हैवी टास्क करते हो, तब बैटरी में उसको यूज़ मत कीजिए लैपटॉप को, आप चार्जिंग में प्लग करके उसके बाद इस लैपटॉप को यूज़ कीजिए। तो लैपटॉप्स मोबाइल के जैसा होता नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता, लैपटॉप्स के अंदर जब आप चार्जर को प्लग करके लैपटॉप को यूज़ करते हो या फिर लैपटॉप को यूज़ करते हो, तो आपका लैपटॉप डायरेक्टली एसी अडैप्टर के थ्रू, चार्जर के थ्रू जो पावर है उसको कंज्यूम करता है, बैटरी को यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे ऐसा करने से मैं तो क्या करता हूँ कि जब भी पावर सोर्स अवेलेबल होता है, जब भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं हमेशा चार्जर को प्लग्ड इन रखता हूँ। तो बैटरी जो लाइफ है वो ज़्यादा देर तक रहेगा, देर मतलब ज़्यादा साल तक आपका बैटरी टिका रहेगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपका बैटरी का जो हेल्थ है वो भी अच्छा मेंटेन रहेगा। तो ये एक टिप था जो मैंने आप सबको इस वीडियो के अंदर शेयर करना ज़रूरी समझा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मिलता हूँ मैं आप सबसे दूसरे वीडियो में। मेरा कैट यहाँ पे क्या कर रहा है यार, बाय।